हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञासम। मैं मिदुल कलिता। आज मैं आप लोगों के सामने द हिस्ट्री से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट टू एडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। मतलब सुल्तान टाइटल किसको पहले मिला था। इसका जवाब है महमूद ऑफ गजनी। मतलब गजनी के महमूद को पहले सुल्तान का खिताब मिला था। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। मतलब खिलजी जो डायनेस्टी था उसका फाउंडर कौन था, किसने पहले प्रतिष्ठा किया था। तो इसका सही जवाब है खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को प्रतिष्ठा किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। मतलब दिल्ली का पहला मुस्लिम फीमेल रूलर कौन था। दिल्ली का पहला फीमेल मुस्लिम रूलर था राजिया बेगम। मतलब राजिया बेगम था दिल्ली का पहला फीमेल रूलर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कॉज ऑफ कुतुबुद्दीन डेथ। मतलब कुतुबुद्दीन का डेथ का मौत का कारण क्या था। कुतुबुद्दीन का मौत का कारण था फॉल फ्रॉम हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो। मतलब जब वो पोलो खेल रहा था तब घोड़े पर से गिर गया था, उसके कारण उसकी मौत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। मतलब कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसको किसने बनवाया था। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। इसका सही जवाब है नरसिम्हा देवा। तूने कोणार्क में स्थित सन टेम्पल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट अर्थशास्त्र। मतलब अर्थशास्त्र किसने लिखा था। ये इसका जवाब आप सब लोग जानते ही है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट इंडिका। मतलब इंडिका नामक किताब किसने लिखा था। इसका सही जवाब है मेगास्थिनिस ने इंडिका नामक किताब लिखा था। व्हिच वन वाज द ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग। मतलब सबसे पुराना शिक्षा का केंद्र कौन सा था, मैंने क्या था। सही जवाब है विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का पहला कवि कौन था। आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि हमारे भारत का पहला कवि था। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हिच प्लेस लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। मतलब कौन सी जगह में भगवान बुद्ध को ज्ञान का ज्योति मिला था। आंसर है बुद्ध गया। मतलब बुद्ध गया नामक स्थान में भगवान बुद्ध को ज्ञान का ज्योति मिला था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।